हाय एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग। और जैसे कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था कि किस चीज़ के बारे में ये वीडियो हो सकता है, तो वही है कि सेल्फ अप्लाई करें या कंसल्टेंसी से आप मदद ले सकते हो। तो उनमें दोनों चीज़ें, मतलब उनमें डिफरेंस क्या आएगा अगर आप प्रोसेस करते हो हाउस बिल्डिंग का, तो उसमें डिफरेंस क्या आता है और क्या चीज़ें हैं दोनों में हो जाती है आपसे, और जो आपका जो एक्सपेंसेस है वो कितना हो सकता है अगर आप दोनों चीज़ें ट्राई कर सकते हो करते हो। तो जब आप फर्स्ट हम सेल्फ एप्लीकेशन से स्टार्ट करते हैं कि मतलब उसमें क्या प्रोसेस हो सकता है और कितना टाइम लग सकता है और कितने एक्सपेंसेस आपको आ सकते हैं। तो फर्स्ट ये होता है कि जब आप सेल्फ अप्लाई करते हो तो एक तो है कि आपको बहुत सारा रिसर्च करना है और रिजेक्शन के लिए भी रेडी रहना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको हो जाएगा आपका सारा प्रोसेस और आपको मतलब बहुत सब चीज़ें मिल जाएगी आसानी से। ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपको थोड़ा टाइम थोड़ा देना पड़ता है और उसमें आपके पास रिक्वायरमेंट सारी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि फिर से जब आप खुद से अप्लाई करते हो तो आपको बस एम्प्लॉयर से कॉन्टेक्ट करने का जो टाइम जो फेज़ होता है और जो मेन चीज़ है उसमें उस पर फोकस करना चाहिए। और क्योंकि उसके बीच में क्योंकि उस चीज़ तक आपके पास सभी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि B1 का सर्टिफिकेट, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, वो चीज़ें आपके पास सभी रेडी है, मोटिवेशन लेटर CV आपके पास सब रेडी है, तो अब आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उसके लिए क्या करना है, आपको अच्छे से CT ढूंढना है, अच्छा कौन से एरिया में आपको जाना है, उस जिस भी फील्ड में आपको हाउस बिल्डिंग करना है उसमें उस रिलेटेड जो भी मतलब लिंक्डइन पे आप सर्च कर सकते हो या इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो कि कौन सी कंपनीज है, कौन से होटल्स है और कौन से रेस्टोरेंट्स है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, उनकी एक लिस्ट बना लो और उनके जो ईमेल एड्रेस है 10 या 20 ईमेल एड्रेस पे आपको आपका CV सेंड करना होगा, और फिर आपको रिजेक्शन आने स्टार्ट होंगे। वो भी अच्छी बात है, क्योंकि फिर आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें वर्क कर रही है नहीं कर रही है, फिर आप अगली बार जब अप्लाई करोगे तो उसमें थोड़ा सा चेंज करना है जो भी आपको मतलब लगता है कि ये चेंज करोगे, जैसे कि CV में कुछ कंटेंट चेंज करना है, मोटिवेशन लेटर कैसे बनाना है, तो इन सब चीज़ों से आप सीखते जाओगे। और फिर थोड़े रिजेक्शन आने के बाद आपको एक कंपनी एक होटल आपको ले लेगी हाउस बिल्डिंग के लिए, वो चीज़ है, वो एक बहुत सिंपल प्रोसेस है। फिर ये सब होने के बाद आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए आप वीडियोस देख सकते हो, और बहुत ही इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही मतलब इतने डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए आपको, सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको एम्प्लॉयर से चाहिए, वो सब आप कलेक्ट कर सकते हो, उनको मेल भेज सकते हो कि मुझे ये डॉक्यूमेंट्स इंडियन एम्बेसी में इंडिया में जो भी प्रोसेस होता है वीज़ा के लिए उसके लिए लगेंगे, वो आप एम्प्लॉयर को बता सकते हो। फिर वो लोग अगर उन्होंने आपको सिलेक्ट किया तो वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, और मतलब हर कोई भेजता है। तो ये चीज़ में ना थोड़ा टाइम जाता है, लेकिन आपके बहुत सारे पैसे बच सकते हैं। जैसे कि आपके वीज़ा के लिए आप इंडिया में मतलब करते हो तो आपको 10,000 सारी फीस वो खर्चे, मतलब प्रीमियम लॉन्च भी लेते हो आप VFS का, तो सब चीज़ें खर्चा पकड़ के जो भी उनका जो इंश्योरेंस है वीज़ा के लिए लगता है आपके पास, वो आप पकड़ लो तो 10,000 तक हो जाता है, 10 या 12,000 का मैक्सिमम, तो वो आपका 12,000 तक ही खर्चा होगा वीज़ा का सिर्फ। और खुद से अगर अप्लाई कर रहे हो तो ऑब्वियसली सिर्फ लैंग्वेज का ही आप जो पढ़ रहे हो उसकी फ़ीस वो सब खर्चा होगा, और आपका फ्लाइट टिकट, इससे ज़्यादा कोई खर्चा मुझे दिखता नहीं, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद आपका इंश्योरेंस वो सब एम्प्लॉयर करके देता है आपको, तो उसका पहले से कुछ करना है ये सब चीज़ें नहीं होती। ये हो गया आप सेल्फ अप्लाई जब करते हो तो, मतलब थोड़ा इतना डिटेल में नहीं है लेकिन ये सब प्रोसेस होता है जो भी है, और उसका जो खर्चा है वो भी मतलब सिलेक्टेड इतना नहीं है। लेकिन जब आप कंसल्टेंसी से जब अप्लाई करते हो तो तब क्या होता है, जैसे कि आपने सब जब आप सेल्फ एप्लीकेशन करते हो तब आपने सारे रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली, CV, मोटिवेशन लेटर, B1 का सर्टिफिकेट, अब आप अप्लाई करते हो तो कंसल्टेंसी से जब आप अप्लाई करते हो तब भी वही चीज़ होती है, क्योंकि आप सब रिक्वायरमेंट्स उनको देते हो, आपका जो भी फॉर्म्स है वो सब लोग फिल कर लेते हैं, और उसके बाद वो लोग भी ढूंढते ही है आपके लिए एम्प्लॉयर, जैसे आप खुद से ढूंढ रहे हो वैसे ही वो लोग आपके लिए ढूंढ रहे हैं, उनको भी रिजेक्शन आते क्योंकि हर कंपनी आपको नहीं सिलेक्ट करेगी ना, तो वैसे ही कंसल्टेंसी को भी रिजेक्शन आते हैं, लेकिन वो लोग सिर्फ बहुत सारी चीज़ों में उनके कॉन्टैक्ट होते हैं, तो वो लोग बहुत सारे
होटल्स में आपका सीवी भेजते, बहुत सारी कंपनीज में आपका सीवी भेजते, तो फिर उनमें से कुछ आपको सिलेक्ट कर लेते और फिर वही अपडेट वो आप कंसल्टेंसी वाले आपको देते। और फिर उसके बाद तो वही सेम प्रोसेस होता है, सेम डॉक्यूमेंट्स आपको आते हैं। और फिर वीज़ा के लिए भी आपको सेम प्रोसेस है, जो आप खुद से करोगे वही आपको जब कंसल्टेंसी से करोगे तभी आपको खुद से ही वही चीज़ करनी है सब। तो इनमें डिफरेंस इतना है बस कि कंसल्टेंसी के पास कॉन्टैक्ट है और आपके पास नहीं, मतलब आपके पास नहीं है स्टार्टिंग में तो, लेकिन वो उस कॉन्टैक्ट की वजह से आपका जो अमाउंट है वो बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि आप जब कंसल्टेंसी से अप्लाई कर रहे हो तो आपको बहुत सारे पैसे पे करने पड़ते हैं और उसमें जो डिफरेंस है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि पहले आप अप्लाई करो खुद से, अगर इनकेस कुछ भी नहीं हो रहा, बहुत टाइम हो गया और आपको रिजेक्शन ही आ रहा है और लास्ट में कुछ भी ऑप्शन नहीं है, तभी आप मतलब किसी की हेल्प ले सकते हो या कंसल्टेंसी से अप्लाई कर सकते हो। लेकिन चीज़ वही होती है, सेम प्रोसेस भी सेम ही होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंसीज हैं उनका कांटेक्ट इंडिया जर्मनी में होता है और जर्मनी में भी एक कंसल्टेंसी होती है, वो उनसे कांटेक्ट करते हैं और फिर ये लोग आपके लिए जॉब ढूंढते हैं, जो हाउस बिल्डिंग प्लेसमेंट ढूंढते हैं। तो ये चीज़ें मतलब घूम फिर के वही आती है, तो इसलिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप खुद से पहले ट्राई करो एक दो मतलब बहुत सारी बार, और फिर आपको जब नहीं हो रहा है, कुछ भी ऑप्शन नहीं बचा है, तो अगर आप उतना अमाउंट पे कर सकते हो कंसल्टेंसी को तभी आप उनके पास जाओ। यही डिफरेंस है उसमें, ऑब्वियसली पैसों का डिफरेंस आता है, एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं कंसल्टेंसी से अप्लाई करते हो, लेकिन प्रोसेस यही होता है उसमें। कुछ ऐसा नहीं कि आपको अच्छा रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा, अच्छा होटल नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता, आपके सीवी पे और सीवी के ऊपर और इंटरव्यू के ऊपर ही डिपेंड करता है कि कैसा होगा, क्या होगा, कौन सा रेस्टोरेंट या कौन सी कंपनी आपको मिलेगी। तो जब आप सारे अगर वीडियोस देख लोगे ना, किसी भी मतलब किसी भी यूट्यूब पे मतलब कौन से भी वीडियोस देखो आप, हाउस बिल्डिंग रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन है, तो आप खुद से आई थिंक अप्लाई कर सकते हो और इतना कुछ बड़ी बात नहीं है उसमें, और कॉम्प्लिकेटेड नहीं है चीज़ें, अभी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आप बहुत सारे मतलब वीडियोस देख सकते हो, इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, आपको मिल ही जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आप बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हो तो मिल ही जाता है हाउस बिल्डिंग, इतना डिफिकल्ट नहीं होता, बस आपको सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करनी है। जर्मन लैंग्वेज आपको करना ही है प्रिपेयर, उसके बिना नहीं होता यहाँ पे। तो अगर आपको हाउस बिल्डिंग करनी है तो आपको जर्मन लैंग्वेज आना ज़रूरी है। अगर A2 A1 से ही आप मतलब आपको ऐसे लगता है कि आपको मिल जाएगा तो ऐसा नहीं होता, आपको उस लेवल का जर्मन आना बहुत ज़रूरी होता है कि आप यहाँ पे सरवाइव कर पाओ और यहाँ का जो भी मतलब एजुकेशन सिस्टम है उनमें वो आप एडजस्ट कर पाओगे, आपको समझ में आएगा वो लोग जो पढ़ा रहे। तो अगर आप वो सब उतने लेवल तक कर लेते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो यही था डिफरेंस, इतना कुछ मुझे तो नहीं लगता कि कंसल्टेंसी के थ्रू अप्लाई करने से इतना कुछ डिफरेंस आ जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियोज़। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हो, अगर वीडियोज़ में कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो आप मुझे बता सकते हो कि मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ अभी धीरे धीरे। तो मैं बहुत सारी चीज़ें मतलब इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करता हूँ ऑन माई एक्सपीरियंस, तो मेरा जो भी एक्सपीरियंस है वो मैं बस शेयर करता हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ें मैं थोड़ी मतलब दूसरी बता रहा हूँ, मेरा अभी तक का जो भी एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ शेयर इट, प्लीज़ लाइक इट और सब्सक्राइब भी कर लो। सो थैंक यू सो मच।